हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन एडी स्टार क्लासेस। मैं विवेक आपका एक बार फिर से एडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने डीएनए की टॉपिक की। और आज का हमारा डीएनए का टॉपिक है, हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, उसी के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियोज को आप पूरा देखिएगा, साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। आज है 9 जुलाई और जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट डीएनए बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं रोजाना। तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और इस महत्वपूर्ण सेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है और 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। कौन कौन से नेता हैं उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई नए लोगों के साथ साथ मौजूदा मंत्री भी शामिल हैं जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल, और 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सत्ता में बने रहने के बाद से मंत्रिमंडल का ये पहला फेरबदल है। इससे पहले कभी भी मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं किया गया था। नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 53 मंत्री थे, लेकिन उनमें से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ साथ कई अन्य मंत्रियों ने नाम की घोषणा से पहले ही रिजाइन कर दिया है। चलिए जानते हैं उन मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों की जो इम्पोर्टेंट सूची है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके उसको अपनी नोटपैड में लिख सकते हैं। राजनाथ सिंह के बारे में आप जानते होंगे, ये हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह भी हैं। मनसुख मंडाविया, नया नाम और नया चेहरा। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पर ये आए हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब मनसुख मंडाविया हो गए हैं। ये इससे पहले जहाजरानी, केंद्रीय जहाजरानी के जो मंत्रालय है उसके ये केंद्रीय मंत्री थे। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, दोबारा से इन्होंने शपथ ग्रहण की है। निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने भी दोबारा से शपथ ग्रहण किया है। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। डॉक्टर यश जयशंकर, विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ये इसमें केवल मनसुख मंडाविया, ये एक नया नाम और नया चेहरा है, बाकी सब वही पुराने केंद्रीय मंत्री हैं। पीयूष गोयल, ये भी पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान ये भी एक नए चेहरे, वैसे ये इससे पहले भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के पास में शिक्षा मंत्रालय नहीं था। शिक्षा मंत्रालय ये पहले MHRD मिनिस्ट्री हुआ करता था, इसका नाम था MHRD मंत्रालय, बाद में इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से बदल दिया गया और इसके थे रमेश पोखरियाल निशंक। प्रहलाद जोशी, कोयला मंत्री और ये खान मंत्री। नारायण राणे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, नया चेहरा। सर्बानंद सोनोवाल, नया नाम नया चेहरा। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बंदरगाह, नौवहन, आयुष मंत्री और जलमार्ग मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी,
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, नया चेहरा। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, नया चेहरा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय अधिकतर हाईलाइट होता रहता है, रेल मंत्रालय न्यूज़ में भी बहुत सारी खबरों में भी इसकी चर्चा हुआ करते हैं, तो रेल मंत्रालय के बारे में आपको याद रखना है। इससे पहले आईटी और संचार मंत्री जो कि बिहार के थे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, सभी मंत्री और रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आएगा। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री, पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, किरण रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्री, इससे पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, राजकुमार सिंह, ऊर्जा मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के भी मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री, महेंद्रनाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, जी किशन रेड्डी, संस्कृत मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री, और अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री। इससे पहले किरण रिजिजू युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत थे, किरण रिजिजू। अब उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। आप देख सकते हैं किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय मंत्रालय सौंपा गया है, और उनकी जगह पर अब अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनको अब युवा मामले और खेल मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। दो राज्य मंत्री अपॉइंट किए गए हैं, इनको मंत्रालय दिया गया है। राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के हैं, इनको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यवाहन मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा, आप देखते चलिए। राज्य मंत्री में श्री परेशु नायक हैं, फग्गन सिंह हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ये सारे नाम आप देखते चलिए। आप आराम से पहुँच करके इसको लिख सकते हैं। मैं क्योंकि डीएनए का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं जाता है, डीएनए का वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक व्यू दे रहा हूँ। आप सिर्फ एक व्यू देखिए, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे नाम, अनुप्रिया पटेल, राजीव शेखर, भानु प्रताप सिंह वर्मा, ये सारे नाम अब आ गए हैं जो कि, और इसमें साध्वी निरंजन ज्योति भी आई हैं, ठीक है। ये हाँ ठीक है, ठीक है, देखते रहिए आप। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, आप देखते चलिएगा, सारी चीज़ों को आप देखिएगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइबर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी ये बस मेरी आपकी तरफ से दुख है, बाकी तो सब सही है, अच्छा रिस्पॉन्ड है हमारा। वीडियो थोड़ी कम जा रही है, लेकिन जल्द ही हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हम अच्छे अच्छे सेशन के साथ आपके लिए अच्छा विकल्प भी ले आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों के बारे में, अधिक से अधिक लोगों को बताएं हमारे वीडियोज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे थोड़ी ही देर बाद, तब तक के लिए जय हिंद।